गुड मॉर्निंग गाइस, हाय, मैं विजिट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बातें, कल से मैं थोड़ा परेशान हूँ। हमारा का तबीयत थोड़ा सा खराब है, उसको थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो वो मुझे छोड़ नहीं रही है। इस वजह से मैं कल का ब्लॉग नहीं दे पाई और आज भी वैसा ही है। तो मैंने सोचा मैं छोटी छोटी कुछ आओ हमारा मैंने चश्मा आओ ले लिया हमारा पास यही करते रहते हैं। हाय गाइस, मैं अभी किचन में हूँ। अमारा को मैंने सुला दिया है और अमारा अभी पापा की गोदी में सोया हुआ है। उसको ना मतलब तबीयत उसका आज उतना सही नहीं है, इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रही है और मुझे नहीं छोड़ रही है। तो इस वजह से मैं सुबह से उसी के पास बैठी हुई हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम मिला, अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। और मैं अभी किचन में आई हूँ ये देखने कि मम्मी ने आज क्या बनाया। अब मम्मी का भी तबीयत खराब हो गया, मतलब मम्मी इतने टाइम से खड़े होके मतलब खाना पका रही थी तो अचानक से पैर कैसे मोड़ गया और पैर में दर्द हो गया। तो अभी मम्मी रेस्ट कर रही है, तो मैं किचन में आई हूँ आप लोगों को दिखाने कि मैं आज क्या क्या बना है। तो आज तो यहाँ चावल है, चावल बना है, और यहाँ पे जो है पालक की सब्जी बना है, पालक की सब्जी बना है, और यहाँ पे है पॉम्फ्रेट करी, पॉम्फ्रेट की करी है, ये मेरी रेसिपी है, मैंने बताया था कैसे करना है। और मैंने रात के लिए भी मम्मी पूछ रही थी कि रात को क्या बनाए ताकि एक ही बार में बनाना हो जाए, क्योंकि टाइम लगता है और मम्मी का तबीयत इतना अच्छा नहीं था। मैंने तो रात का खाना भी पहले इस मतलब दिन में ही बना लिया। तो ये है अंडा करी, ये रात के लिए है, हम लोग रात को खाएंगे। और पालक की सब्जी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पालक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, चावल के साथ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे पालक तो अभी का है नहीं, ये तो सर्दियों का सब्जी है, लेकिन पता नहीं पापा को कैसे मिल गया। मैंने बताया था पापा को कि अमायरा के लिए ना कुछ सब्जी आप मतलब उसके खाने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी या साग ऐसे लाओ। तो पापा को पालक मिल गया था, इसलिए पापा ने पालक लाए थे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे चिकन रखा हुआ है जो कि बोनलेस चिकन है, जिसका मैं अभी मतलब इसको मैं मैरिनेट करने वाली हूँ। इसका मैं आज शाम को मैं इसका पकोड़ा बनाने वाली हूँ। तो ये लाए थे तो पापा दो तीन दिन पहले पापा लाए थे, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं हुआ और इसलिए मैं एक्चुअली भूल गई थी बनाना। तो अभी सुबह मम्मी ने निकाल के बाहर निकाला है फ्रिज से, और पापा ने इसको मतलब वॉश करके रेडी करके दिया है, क्योंकि मैं सुबह से हमारा को लेके बिजी थी। तो अभी चलिए हम मैरिनेट करते हैं इसको। और मैरिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे वो है दही, जो कि मेरे पास है नहीं। तो ठीक है, हम कैसे करते हैं, मतलब शाम को बनाऊंगी फ्राइज पकौड़ा टाइप्स, तो मतलब एकदम नॉर्मल वाला घर में जो खाने वाला एकदम नॉर्मल बना बनाऊंगी। तो देखते हैं, दही नहीं है तो मम्मी के पास शायद विनीगर होगा, तो मैं विनीगर से ही काम चला लूंगी। तो चलिए मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए पहले मैंने एक ऐसे बोल मतलब पतला वाला एक ब्रेक लिया है। अब चिकन जो के पानी झड़ने के लिए रखा गया था ऐसे चीजों में, तो मैं उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। और इसमें अभी मैं दूंगी नमक, इसमें मैं अभी नमक दूंगी स्वाद अनुसार नमक। मेरा ये चिकन 400 ग्राम का है, तो मुझे थोड़ा सा नमक और ज्यादा बाद में तो मैं नहीं दूंगी, बस इतना सा नमक। और मैं दूंगी मिर्ची का पाउडर, रेड मिर्च का पाउडर। हाफ टू स्पून से भी कम मैंने दिया। और मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी भी दूंगी, इतना सा जरा सा हल्दी। और मैं सारे मसाला थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। ये है धनिया पाउडर इतना सा,
जीरा भी इतना सा, सारे मसाला मैंने दे दिया। और जो मैंने अभी तक नहीं दिया है वो है ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं एकदम छोटा सा मम्मी का चम्मच है तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने दे दिया। टीस्पून नहीं है ये, टेबलस्पून है, हाँ वैसा ही कुछ छोटा सा होगा। मेरा ना उतना अंदाज नहीं है कि कौन सा टीस्पून है कौन सा टेबलस्पून है, मैं बस वैसे ही दे देती हूँ। तो मैंने अपना चिकन में ये सारे मसाला ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चीनी, उसके बाद दही नहीं है इसमें, दही मैं नहीं दे सकती इसलिए मैं दही के बदले मैं विनेगर देती हूँ। कभी कभी मुझे दही नहीं मिलता है तो विनेगर से ही मैं काम चला लेती हूँ। हो गया, अब मैं इसको हाथों से अच्छे तरह से सारे मसाले इसमें लगा दूंगी ताकि अच्छे तरह से मैरिनेट हो जाए मेरी ये चिकन। बस इसको मैंने लगा दिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो शाम को होगा इसलिए मैं इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। अब जब हम शाम को इसको फ्राई करेंगे तो तब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर और एक अंडा देंगे, उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। दही होता तो शायद मैं अंडा नहीं देती, बिना अंडे का भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ को एलर्जी है तो बिना अंडे का भी हम बनाते हैं, लेकिन इस घर में तो किसी का एलर्जी नहीं है अंडे से तो मैं अंडे इस्तेमाल करूंगी। तो हम मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, अब उसको हम शाम को ही बनाएंगे। बच्चों का तबीयत खराब रहता है तो मम्मियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अमायडा को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, वो इतना एक्टिव है, वो इतनी ज्यादा खेलती है, फिर भी वो खेल तो रही है, खेल रही है, हंस रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको थोड़ा सा भी सर्दी हो गया या कुछ हो गया तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। पता नहीं कि वैसा सभी को होता होगा लेकिन मुझे ज्यादा ही लग रहा है अभी टेंशन में। तो मैं शायद आज ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही मैं कर रही हूँ, मुझे जितना टाइम मिल रहा है। तो प्लीज मेरे साथ दीजिए और अमायडा के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैरिनेट किया हुआ चिकन में एक अंडा ऐसे हमने फाड़ दिया और उसके बाद कॉर्नफ्लावर दे दो मम्मी। और भी दो, और भी एक 1 टीस्पून दे दो। अब हाथों से इसको देखो, और भी लग सकता है, पहले देखो कितना हुआ, टाइट टाइट सा एक होगा। कॉर्नफ्लावर दो और भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगेगा क्योंकि आपको इसको हाथों से देखना पड़ेगा, ये दही होता तो कम लगता। और नहीं चाहिए पापा, वो ग्रेवी जो है ना वो तो आप फेंक देना, बस चिकन को उठा के फ्राई कर लेना। पकोड़ा बनाने में पापा मेरा मदद कर रहे हैं। बहुत
पकौड़ा। यम्मी। हाय एवरीबॉडी, तो मेरा नाम है सम्राट। आप लोग शायद मुझे पहचानते होंगे जो बहुत टाइम से व्लॉग देख रहे हैं इस चैनल में। तो मैं एक्चुअली ये जो चैनल की ओनर है मेरी दीदी, तो मेरी दीदी है वो। तो आज दीदी का मूड नहीं है व्लॉग एंड करने के लिए, और मैं अभी दीदी को हेल्प करता हूँ टू डू द एडिटिंग और यूट्यूब में अपलोड करना ये सब। तो पता नहीं क्यों आज दीदी को मूड नहीं है, थोड़ा काम में बिजी भी है। तो चल के थोड़ा उनको बताते हैं व्लॉग एंड करने के लिए, क्योंकि व्लॉग पोस्ट भी तो करना है, आप सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं उनसे अभी। दीदी रन्ना करे। ये देखो मैं व्लॉग को आपके पास लेकर आ गया, आप क्या कर रही हो? इसको वॉश कर रही हूँ, हमारा तो मैंने खाना बनाया है रात का डिनर, तो एंड कर लो व्लॉग को। मतलब दर्शक सारे इंतजार कर रहे हैं, ब्लॉग अपलोड भी करना है। एक्चुअली हमारा का तबीयत सुबह से खराब था, मैंने जैसे बताया था, इस वजह से मेरा मूड ही नहीं है, उसके ऊपर ही ध्यान थी। और अब जाके मम्मी ने उसको मतलब संभाली है, और अभी वो मम्मी के साथ खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसका मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है। तो ये रहा प्रेशर कुकर, इसमें उसका खिचड़ी बन चुकी है, और मैं इसको मतलब ग्राइंड करने वाली हूँ ग्राइंडर से। तो मैं ये करने आ गई हूँ। हथौड़ा है क्या ये? नहीं, ये हैंड ग्राइंडर है। अच्छा, इस समय ग्राइंड करके देती हूँ। चलो चलो, बाय बाय बोल दो, बहुत हो गया, बहुत बात कर लिया है, बाय बाय बोल दो। चलिए आज का वीडियो हम ऐसे ही एंड करते हैं, और प्लीज मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं है प्लीज वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर है वो लोग भी रोज मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लोगों ने बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया है। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आप लोगों का कोई वीडियो मिस नहीं हो हमारा वीडियो। आप प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे सिस्टर को भी, मुझे इन्हें बिजी रखना बहुत पसंद है, ताकि ये मेरे पीछे ना लगे, इसलिए सब्सक्राइब। और चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्लीन बोल्ड या राइट क्लीन बोल्ड कर देना चाहिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय बाय, हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में।